हेलो स्टूडेंट्स, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में आज हम करेंगे ब्रिज्ड हेट्रोसाइक्लिक्स का नोमेनक्लेचर। इन हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम्स का नाम उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है जो ब्रिज्ड हाइड्रोकार्बन्स के लिए अप्लाई होते हैं। केवल जो एडिशनल हेट्रो एटम है उसकी पोजीशन के साथ उसका नाम हाइड्रोकार्बन के नाम से पहले लिख दिया जाता है। पहले हम इसमें लेते हैं बाईसाइक्लिक सिस्टम्स, यानी जिसमें दो रिंग्स हैं, उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे देंगे। तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि नाम दिया जाता है सबसे पहले पोजीशन एंड नेम ऑफ हेट्रो एटम। जो भी हेट्रो एटम प्रेजेंट है उसकी पोजीशन के साथ उसका नाम, उसके बाद लिखा जाता है बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स शुरू होती हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एटम्स का नंबर लिखा जाता है डॉट से सेपरेट करके। अब ये नंबर कौन सा है? ये नंबर वो है जो कि ब्रिज हेड एटम्स को सेपरेट कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी सबसे पहले दो ब्रिज हेड एटम्स के बीच का जो लार्जेस्ट नंबर है वो, उसके बाद डॉट, उसके बाद उससे कम वाला नंबर, फिर डॉट और फिर उससे कम वाला नंबर। ये हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद नाम जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। जितने टोटल कार्बन एटम्स हैं उस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में उसके हिसाब से जो नाम होता ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का वो नाम दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से। तो ये रहेगा इसका नोमेनक्लेचर। और नंबरिंग की जहाँ तक बात है तो नंबरिंग कैसे हम स्टार्ट करेंगे? दो ब्रिज हेड एटम्स होंगे बाईसाइक्लिक सिस्टम में और उन दो में से किसी एक से नंबरिंग स्टार्ट होती है और फिर ये नंबरिंग प्रोसीड करती है थ्रू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट टू द सेकेंड ब्रिज हेड एटम्स। एक ब्रिज हेड एटम हमने सेलेक्ट किया और वहाँ से हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट से जाते हैं दूसरे ब्रिज हेड एटम तक। हम सेकेंड पे पहुँच गए, फिर सेकेंड ब्रिज हेड एटम से हम सेकेंड लार्जेस्ट रूट से जाएंगे पहले वाले ब्रिज हेड एटम तक और फिर फाइनली हम सबसे छोटे रूट से जाएंगे वापस सेकंड ब्रिज हेड एटम तक। तो हमको चूज़ करना होगा लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट, उसके बाद उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। नंबरिंग करते हुए हमको ये ध्यान रखना है कि हेट्रो एटम को लोएस्ट नंबर मिले। जहाँ पर हमारे पास चॉइसेस हैं, एक से ज़्यादा साइड में एक से ज़्यादा चॉइसेस हमारे पास हैं नंबरिंग करने की, वहाँ हम ये उस तरह से नंबरिंग करेंगे जिससे हेट्रो एटम को लोएस्ट नंबर मिले। और उसके बाद प्रायोरिटी आती है मल्टीपल बॉन्ड की। हेट्रो एटम को लोएस्ट नंबर देने के बाद मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ये तो हुई अगर वो बात कि जब एक ही हेट्रो एटम प्रेजेंट है। अगर एक से ज़्यादा हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो प्रेफरेंस कैसे दी जाएगी? जैसे हमने सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर में किया था टेबल वन के हिसाब से, तो टेबल वन में जो ऊपर है उसकी प्रेफरेंस पहले है, जो नीचे है उसकी बाद में। तो उसी सीक्वेंस से हम नंबरिंग करेंगे। ये रूल्स और क्लियर हो जाएंगे जब हम एग्जांपल्स करते हैं। जैसा पहला जो है एग्जांपल वो ले रहे हैं हम, ये बाईसाइक्लिक सिस्टम जिसमें हम देख रहे हैं कि टोटल 10 इसमें एटम्स हैं। केवल कार्बन एटम नहीं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमको गिनने हैं। टोटल 10 एटम्स इसमें प्रेजेंट है, एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है। तो नंबरिंग जो है वो हम कहाँ से शुरू करेंगे? फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिज हेड एटम। दो ब्रिज हेड एटम होंगे बाईसाइक्लिक सिस्टम में, तो यहाँ पर जो जिस पर हमने 1 लिखा है, एक तो वो है ब्रिज हेड एटम और दूसरा जिस पर 6 लिखा है वो दूसरा ब्रिज हेड एटम। तो हम नंबरिंग राइट साइड से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमने सी पर जिस पर 1 लिखा है वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। हम सी सिक्स से भी शुरू कर सकते थे,
लेकिन C6 से शुरू करने पर हेट्रो एटम ऑक्सीजन को नंबर जो है वो ज़्यादा मिलेगा, इसलिए हम 1 से शुरू कर रहे हैं, मतलब C1 से हमने स्टार्टिंग की। तो 1 हम आगे चल रहे हैं राइट साइड वाली रिंग में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं, 1, 2, 3, 4 हैं। अगर हम लेफ्ट की ओर चलते तो उसमें 3 एटम्स हैं, 7, 8 और 9 वाले। तो पहले हमको जाना है C1 से C6 तक थ्रू लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट, और लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट राइट साइड वाला है, तो हम राइट साइड की ओर चलेंगे। तो 1, 2, 3 ऑक्सीजन को 3 मिला, फिर 4, 5 और 6 हम दूसरे ब्रिज हेड एटम पर आ गए। 1 से शुरू करके 6 तक आए थ्रू लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट। अब हमको जाना है 6 से वापस 1 पर थ्रू सेकंड लार्जेस्ट रूट। तो सेकंड लॉन्गेस्ट रूट कौन सा है? लेफ्ट साइड वाला। तो 6, 7, 8, 9 फिर हम आ गए 1 पर। अब हमको जाना है थ्रू शॉर्टेस्ट रूट टू द सेकंड ब्रिज हेड एटम। तो वो शॉर्टेस्ट रूट जो है ये C10 वाला, तो इस पर नंबर मिलेगा, इसको नंबर मिलेगा C10। तो ये तो होगी नंबरिंग की बात। तो इसके हिसाब से अब नाम क्या होगा? सबसे, जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले हमको देना है पोजीशन एंड नेम ऑफ हेट्रो एटम। हेट्रो एटम है ऑक्सीजन, पोजीशन है इसकी 3, तो नाम आएगा इसका 3-ऑक्सा। उसके बाद हमको लगाना है बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद स्क्वेयर ब्रैकेट्स। अब स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर नाम नंबर लिखने हैं। सबसे पहले ब्रिज हेड एटम को सेपरेट करने वाले नंबर्स हमको लिखने हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है, यानी राइट साइड वाला जो लॉन्गेस्ट रूट है, उसमें कितने एटम्स हैं? 4। ब्रिज हेड एटम्स को हमको नहीं गिनना है, तो उन 1 और 6 को छोड़कर राइट साइड वाली रिंग में 4 एटम्स हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 4, फिर डॉट। अब उससे छोटा नंबर लेफ्ट साइड वाला, जिसमें 1 और 6 को छोड़कर 3 एटम्स हैं, तो यहाँ पर 3, फिर डॉट। और अब शॉर्टेस्ट कौन सी? C10 वाली, यानी 1 एटम है, तो 1 लिखा। तो 4.3.1। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं इसमें 10। और अगर ये कोई एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता विद 10 कार्बन एटम्स, तो हम उसको नाम देते डेकेन का। तो हम यहाँ लिखेंगे डेकेन। तो ये नाम हो गया 3-ऑक्सा बाईसाइक्लो 4-3-1 डेकेन। सेकेंड एग्जांपल की ओर चलते हैं। ये कंपाउंड, इसमें 3 हेट्रो एटम हैं, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन। बाईसाइक्लिक रिंग है, तो नंबरिंग हम शुरू करते हैं। हमको नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है? फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिज हेड एटम। तो यहाँ पर ब्रिज हेड एटम्स कौन कौन से हैं? C1 और C7। तो हम 1 से शुरू करते हैं और जाएंगे थ्रू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट, यानी लेफ्ट साइड वाली रिंग, जिसमें ब्रिज हेड एटम्स के अलावा 5 एटम्स और हैं। तो नंबरिंग हम शुरू करेंगे ऊपर वाले कार्बन से और जाएंगे लेफ्ट साइड की ओर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आ गए हम सेकंड ब्रिज हेड एटम पर, यानी C7 पर। अब हमको जाना है 7 से वापस 1 पर थ्रू सेकंड लॉन्गेस्ट रूट, यानी राइट साइड वाली रिंग। तो 8, 9, 10 हम आ गए वापस 1 पर। अब हम जाएंगे बाय शॉर्टेस्ट रूट टू द सेकेंड ब्रिज हेड एटम, यानी 11 से। C1 से C7 पर हम जा रहे हैं नाइट्रोजन के थ्रू, तो वो हो जाएगा 11। अब ये नंबरिंग हमने जो C1 से शुरू की है, हम C7 से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन C7 से अगर हम शुरू करते हैं तो डबल बॉन्ड को नंबर मिलता 2, और यहाँ डबल बॉन्ड को नंबर मिला है 1। तो लोएस्ट नंबर के हिसाब से हमने जो नंबरिंग है वो ऊपर वाले कार्बन से शुरू की है। तो अब इसका नाम, पहले वही पोजीशन एंड नेम ऑफ हेट्रो एटम। तो कहाँ कहाँ हेट्रो एटम्स हैं? 10, 11 डाईएज़ा, 8 ऑक्सा, देन बाईसाइक्लो, फिर स्क्वेयर ब्रैकेट्स। स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर
दो ब्रिज हेड एटम के बीच का, वो लेफ्ट साइड में है 5, फिर है राइट साइड में 3, और फिर है बीच में 1, तो 5.3.1। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं 11। अगर 11 कार्बन का कोई एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता तो उसको कहते अनडेकेन। तो अनडेकेन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, उनकी पोजीशन 1, 5 और 9, तो हम लिखेंगे अनडेका 1, 5, 9 ट्राईईन। तो ये नाम हो गया 10, 11 डाईएजा 8 ऑक्सा बाईसाइक्लो 5, 3, 1 अनडेका 1, 5, 9 ट्राईईन। यहाँ पर हम राइट साइड में नहीं जा सकते थे नंबरिंग करते हुए, हालांकि उससे हेट्रो एटम को लोएस्ट नंबर मिलता, लेकिन फर्स्ट रूल ये है कि हमको थ्रू लॉन्गेस्ट रूट से ही जाना है फर्स्ट से सेकंड ब्रिज हेड एटम की ओर, इसलिए हमको लेफ्ट की तरफ ही जाना पड़ेगा। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ये नंबरिंग ब्रिज हेड एटम से, दो एटम्स हैं ब्रिज हेड एटम 1 और 4, तो हम चाहे C1 से शुरू करें C4 से शुरू करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मान लीजिए हमने 1 से शुरू किया और राइट और लेफ्ट साइड भी बराबर ही है, तो 1, 2, 3, 4 सेकंड ब्रिज हेड एटम तक, और 4 से हम वापस चलेंगे 1 तक थ्रू 5, 6 और उसके बाद बीच वाला 7। तो ये नाम होगा पहले नेम एंड पोजीशन ऑफ हेट्रो एटम 7 एजा, देन बाईसाइक्लो, और राइट साइड में भी 2 एटम, लेफ्ट में 2 और बीच में 1, तो 2.2.1। टोटल एटम्स हैं 7, तो हेप्टेन, 2 डबल बॉन्ड हैं तो हेप्टा 2,5-डाईईन। तो ये कंपाउंड हो गया 7 एजा बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टा 2,5-डाईईन। तो इस तरह से हम बाईसाइक्लिक सिस्टम में रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में नाम देंगे। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पॉलीसाइक्लिक हेट्रो कंपाउंड्स का नाम हम रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में कैसे दें।